शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बड़ा आरोप लगाया है। पाक के इशारे पर काम कर रहे बाबरी के हिमायती आरोप है वसीम रिजवी का। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण रोकने में पाकिस्तानी पैसा लग रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की होती है पाकिस्तान से फंडिंग। वसीम रिजवी ने यह भी आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्यों को पाकिस्तान से मिलता है पैसा। सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष को देख रहे हैं उनके पाकिस्तान से संबंधों की बात भी वसीम रिजवी ने कही है। उन्होंने कहा कि पाक की शहर और पैसे पर काम कर रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। पाक के इशारे पर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। 80% हिंदू आबादी के भावनाओं का होना चाहिए सम्मान। देश के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं। मामला ये सुलझ इसलिए नहीं रहा, अब तक इसलिए नहीं सुलझा कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राम जन्मभूमि के मामले में और बाबरी मस्जिद के मामले में जो पक्षकार लोग हैं वो उनके सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमेशा छोटे से बड़े मामले में खलफिशार पैदा करना चाहता है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि इसमें सुलह या समझौते से कोई बातचीत हो। और सुलह समझौते के अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान से इसके लिए फंडिंग होती है, पाकिस्तान के से इसके लिए लोगों को आमादा किया जाता है कि वो सड़कों पर आएं और लड़ें और इसके लिए बाबरी मस्जिद की आड़ में माहौल देश का खराब करें। जितने भी बाबरी मस्जिद के इशू पे बात नहीं करना चाहते उनके सबके चेहरे जो हैं सामने आ चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, और चाहे उसके अंदर जो पिछले पीछे से कुछ मुल्ला मौलवी बोल रहे हैं वो हो, जिनसे इस मामले से कोई मतलब नहीं है, वो लोग सब पाकिस्तान से, वो फंडिंग हो रही है सबको मालूम है।